वहीं आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों में जमकर उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में झीलों और डैम के किनारे लोग पहुंचे और कलियासोत डैम पर तिरंगा हाथ में लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिख रहे हैं। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी की झीलें लबालब हो चुकी हैं और इन झीलों के नजारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आज यहां मौजूद रहे। बारिश के चलते कलियासोत डैम के 11 गेट खोले गए। बताया जा रहा है कि आज यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आजादी का जश्न तो मनाया गया, साथ ही साथ डैम के गेट खोले गए, उस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां नजर आए। झीलों की नगरी भोपाल सुंदरता के लिए जानी जाती है और आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, आप खुद देखेंगे, काफी सुंदर दृश्य है। 13 गेट कलियासोत के, जिसमें से 11 को खोल दिया गया है। सीजन में ऐसा पहली बार हो रहा है और सालों में ऐसा कई बार देखने को नहीं मिलता है, सालों तक देखने को नहीं मिलता। लगातार बारिश हो रही है, यही कारण है कि एक दो नहीं, इस बार 11 गेट खोल दिए हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, कलियासोत से पानी छोड़ा जा रहा है, काफ़ी दूधिया पानी यहां पर नजर आ रहा है और काफ़ी सुंदर नजर आ रहा है। और यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस पर वीकेंड है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, करीब 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं और बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वह अपने हाथों में जो है तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। और बाइक देख सकते हैं आप, कारों में जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विक्ट्री का निशान बनाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं जिनको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और फहरा रहे हैं, वंदे भारत माता की, भारत माता की। तो आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये, हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमारे ये हमारे बच्चों का काफी सौभाग्य है कि वो देख पा रहे हैं एक आजाद भारत, आजाद भारत देख पा रहे हैं। मैडम, आप भी आई हैं बच्चों के साथ? जी हाँ जी, आज हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे, बहुत खुशी की बात है और अब हम फैमिली वाले इसको सेलिब्रेट करने आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, सारा भारत आज बहुत खुश है, इसलिए हम लोग भी सब सेलिब्रेट करने आए यहाँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सड़क के दूसरी तरफ भी मौजूद हैं। आप जिस तरीके से नजारा देखा, काफी सुंदर नजारा है। 11 गेट टोटल खोले गए और आप खुद देखिए, नजारा काफी सुंदर है क्योंकि राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है कि तमाम झीलें जो हैं लबालब हो गई हैं और यही कारण है कि पहले भदभदा के गेट खोले गए, उसके बाद कलियासोत डैम के 11 गेटों को खोला गया है। यहाँ पर भी दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, जल स्तर जो है लगातार जो है कलियासोत नदी जो है उसका बढ़ रहा है। और यहाँ से जो देखिए, यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अमला जो है उसको अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ यंगस्टर भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का दिन है, आज़ादी मना रहे हैं, बस आज़ादी मना रहे हैं। तो और क्या प्लान है आप लोगों का? बस हमारा ये था कि स्वतंत्रता दिवस है, अच्छे से मनाए, दिल खोल के मनाए। ये हमारी भाभी है, इन्होंने सब अरेंज किया अच्छे से, बस एंजॉय करने आए हम। आज़ादी का मतलब उन्होंने बताया सिर्फ ये नहीं है कि एंजॉय करना, वो जानते हैं कि हमें आज़ादी चांदी की थाली में सजी नहीं मिली थी, कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया था, जान दी थी। और यही कारण है कि आज हमने उन्हें आज़ादी के 75वें महोत्सव पर उनको नमन किया है। और साथ में आज जो वीकेंड है, बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ झीलों की नगरी भोपाल की अलग अलग झीलों पर, डैमों पर पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।